भिंड नगर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैतन्य मंदिर में विराजमान परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य बिराग सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री 119 सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में बतासा बाजार में ऋषभ सत्संग भवन में 23वीं तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण लाड़ू महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आचार्य श्री 119 सागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि मोक्ष एक बहुत ही छोटा शब्द है। इस शब्द को कहना सुनना समझना बहुत आसान है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार और मोक्ष दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर संसार में रचे बसे हैं तो आप मोक्षों से काफ़ी दूर हैं। मोक्ष यानी छोड़ना, संसार से दूर जाना मोक्ष है। भगवान पार्श्वनाथ भी संसार से आज उस मोक्ष में विराजमान है। संसार के संघर्ष को पार करके आज सर्वशक्तिमान है और सबके भगवान हैं। हम सभी आज उन्हीं भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण मौसम मना रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब होता है कि भावों की विशुद्धि। अभी हम लोगों का सातवां और छठा गुरु स्थान है और सातवें के पहले हिस्से में हम हैं। सातवें के दूसरे हिस्से में जब हम पहुंचते हैं तब जाके हम आगे बढ़ने की भूमिका बना पाते हैं। और वो आगे बढ़ने की भूमिका में पहले नंबर जो भाव बनता है आठवें गुण स्थान का, वह अपर समूषण था बिहार, लगभग 400-500 किलोमीटर तो होगा यहाँ से। और वो विराजन पर्वत पर धर्मोपदेश कर रहे थे, वहां पे इकट्ठित हुई पब्लिक के लिए धर्मोपदेश सुना रहे थे, सिद्धांत सुना रहे थे, और अचानक वहां से बिहार होकर बारिश हो गई। क्या हो गया ऐसा? आचार्यों ने लिखा, सिद्धांत कहता है भावी योगन वसा है, भव्य आत्माओं के पुण्य के प्रभाव से आपके जो पूर्वज जो रक्त आपकी धुनियों में प्रभावित हो रहा है वो आपके पूर्वजों का है, और वही रक्त वाले जो पूर्वज थे उनका इतना तीव्र पुण्य था, इतना तीव्र पुण्य था कि उन्हें विपलाचल पर्वत छोड़कर बरासों आना पड़ा। धर्म बोलो बरासों वाले बाबा की जय। कोई नहीं गया निवेदन करने से पल्ली के, कोई नहीं गया, और जरूरत भी नहीं है जाने। आपका पुण्य उन्हें आपके निकट लाएगा, और यही स्थिति है। जितना पुण्य भव्य लोगों का बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, अगर काल उस काल में तीर्थंकर मौजूद हैं तो उसी ओर वो खींचे आते हैं और वहां पर आके धर्म उपदेश करते हैं। तुम बरासों को हल्के में समझ रहे हो, हल्का नहीं है। जहां तीर्थंकर भगवान के साक्षात चरण पड़े हों वो जगह हल्की कैसे हो सकती है? मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको कोई भी परेशानी हो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा सोचा। बस कुछ सेकंडों के लिए भगवान के सामने खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखो, कहो कुछ नहीं, भिखारी मत बनो, मालिक बन के खड़े हो। मैं अपने पुण्य का स्वामी हूँ, मालिक हूँ मैं, मेरे पास मेरी आत्मा में पुण्य की इतनी पूंजी है कि हम संपूर्ण विश्व पर राज कर सकते हैं।